चलो तो फिर शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में आई विल बेसिकली लेट यू नो द डिफरेंट पाथवेज दैट यू कैन चूज फ्रॉम टू जॉइन मर्चेंट नेवी। मुझे पता है कि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। किसी को स्टार्टिंग से ही पता होता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, एंड सम आर लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। आई मीन कुछ लोगों का होता है कि 12th के बाद अब IIT नहीं जाना, तो चलो ट्रैवल करते हैं और फिर मर्चेंट नेवी ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये एज है एक्सप्लोर करने की। और कई ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग के बाद जॉब प्रेफर नहीं करते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मर्चेंट नेवी। तो हमारे पास सब ऑप्शंस का सॉल्यूशन है। देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम टू जॉइन मर्चेंट नेवी। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। इफ यू वॉन्ट टू टेक द इजी रूट, यू कैन जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10, और इफ यू हैव क्लियर्ड योर 12th विद PCB, या फिर शीतल की वजह से 11th में आपने कॉमर्स ले ली, या फिर पायल की वजह से आर्ट्स। Obviously, the progression scale will take some time if you are going forward with this route. This is your option 1 after completing your 10th. Next option के बारे में हम बात करते हैं। If you have PCM in 12th and आपको IIT के paper दे दे के pass हो गई है, तो आप सोच रहे हो कि merchant navy join कर लेता हूँ, तो you can proceed it as well. This is the most common route for joining merchant navy and mostly everyone prefer this. This is your option 2 after completing your 12th standard with PCM. Remember that after completing your 12th with PCM, this is your option 2. Now let's talk about option 3. आपको merchant navy के बारे में अभी अभी पता चला है एंड आप सोच रहे हो कि यार मेरी ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, क्या मुझे करियर चेंज करना चाहिए? The decision is totally on you. But you still have an option. If you have done graduation in mechanical or electrical engineering, you can join merchant navy as well. This pathway is quite technical and you will require a lot of professional knowledge. Hope आप सभी को समझ आ गया होगा कि merchant navy सब लोगों को किस ना किसी तरीके से join कर सकते हैं। Next chapter में मैं बताऊंगा कि what you can become through each option, how long it's gonna take and what progression looks like. तो मिलते हैं आपसे next chapter में।